नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। सो नाउ चंद्रयान 3 जो मून मिशन है हमारा, उसके बाद हमने अब रिसेंटली सूर्यान मिशन लॉन्च किया है सन को स्टडी करने के लिए। हालांकि इस मिशन का नाम लिटरली सूर्यान नहीं है, आदित्य L1 नाम रखा गया है इस मिशन का। आदित्य मतलब सूर्य और L1 अर्थ सन सिस्टम में एक पॉइंट है जहाँ से हम कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट्स। ना पहली बात, आदित्य L1 अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर इंसर्ट किया जाएगा, जहाँ पर इसका टास्क रहेगा कि सोलर एटमॉस्फेयर और सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म को स्टडी करना और उन इवेंट्स का अर्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसे भी समझना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि हम लोग आदित्य L1 को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस क्यों नहीं कर देते जहाँ से वो कंटिन्यूसली सन को स्टडी कर सकेगा। देखो, अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करने से आदित्य L1 सन को हमेशा कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी कभार अर्थ के बिहाइंड भी जा सकता है। सो L1 जो कि लैग्रेंज पॉइंट है, वो मोस्ट स्टेबल पॉइंट है जहाँ से हम कंटिन्यूसली सन को कैप्चर कर सकते हैं। इवन ब्लैक स्पॉट, हाइड्रोजन ब्लास्ट जो सन में टेक प्लेस किए होते हैं उसे स्टडी कर सकेंगे। और बाय द वे, इस मिशन को हमने PSLV लॉन्च व्हीकल की हेल्प से लॉन्च किया है, जो कि स्मॉल सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। और उसके अलावा आदित्य L1 उस लैग्रेंज पॉइंट तक जाने के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के लिए 109 दिन लेगा। जी हाँ, ऑलमोस्ट 4 महीने लगने वाले हैं इस मिशन को वहाँ तक जाने में। और एटलीस्ट 5 सालों तक ये मिशन सन को ऑब्जर्व कर सकेगा, उसे स्टडी कर सकेगा, मतलब 5 साल इसकी लाइफ स्पैन रहेगी। और हर दिन आदित्य L1 1400 से ऊपर इमेजेस सेंड करेगा, अपडेट्स देगा सन के बारे में। और मैं L1 पॉइंट को आपको और इजी वे में समझाता हूँ। सो सन अर्थ का वो पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटी बैलेंस रहती है, मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ लंबे समय तक ठहर सकती है, स्टिल रह सकती है। तो खैर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कॉन्टेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।